प्रश्न, मैं शमना में रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हमें इधर बहुत प्रॉब्लम थी, रोड नहीं था, मतलब घोड़ा भी नहीं चल पाता था, आदमियों को चलने के लिए खाली पत्थरों पे चलना पड़ता था, तंग रास्ता था, बहुत ही प्रॉब्लम आती थी हमको। तो हम बीटी फर्स्ट वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। तो जब से ये नरेगा का काम शुरू हुआ तो उस दिन से हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दिया, ये ब्लॉक वालों ने भी थोड़ा सा मदद कर दिया, तो इस करके अभी हमें गाड़ी भी पहुंच सकती है, घर में पहुंचती है गाड़ी, और हमने प्रॉब्लम से थोड़ा नजात पाया। सर ऊपर आबादी तो बहुत है, टाइम तो लगता था आधा का, मतलब इतनी प्रॉब्लम थी। आज तो अब गाड़ियाँ चलती हैं, अब गाड़ी में तो 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। आज तो बिल्कुल आराम से हम घर पहुंच सकते हैं, सामान भी ला सकते हैं, गाड़ी पे आता है सामान, पहले तो उठा के लाना पड़ता था, बच्चों की इतनी प्रॉब्लम थी कि पेट पे उठा के ले जाना पड़ता था, उधर से भी लाना पड़ता था, इधर से भी ले जा। आज फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमको नहीं है कि गाड़ी है, सुविधा है, घर से गाड़ी में बैठे, स्कूल से आए घर, मतलब बहुत मदद होगी। जब से गाड़ी चलनी शुरू होगी तो आराम हो गया, बहुत आराम। पहले कैसे उनको ले जाते थे? पहले तो पीठ पे उठा के ले जाते थे, पहले उनको पीठ पे उठा के ले जाते थे, तो उधर से भी पीठ पे उठा के, मतलब इतना, अगर कोई बीमार होता था तो खट पे ही लेना पड़ता था, मतलब घर से चिनार तक तो पहले था रास्ता, चिनार से इधर हमको रास्ता ही नहीं था, तो खट पे ही लेना पड़ता था बीमार, मतलब इतनी प्रॉब्लम थी। तो नरेगा से आपको फायदा हुआ? नरेगा से इतना फायदा तो हमें हो गया कि गाड़ी घर तक पहुंची। हाँ, कोई फिक्र नहीं है।